कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं तथा इनके साथ साथ बीजेपी ने केंद्र में अपनी सरकार की ओर से माननीय अटॉर्नी जनरल व सॉलिसिटर जनरल तथा कुछ राज्य सरकारों के वकीलों द्वारा उसमें भी खासकर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के एडवोकेट जनरल हरियाणा एवं चंडीगढ़ में बीजेपी की ओर से उनके वकीलों द्वारा उप वर्गीकरण के पक्ष में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में लंबे विचार विमर्श के बाद बनाए गए आरक्षण के सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ करने का कार्य किया गया है, जो कि आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मानसिकता के साथ उठाया गया ये गंभीर कदम है। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के दिए गए निर्णय के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के भीतर आपसी द्वेष की भावना बढ़ेगी और समाज में विभाजन की भावना को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर करारा प्रहार करने जैसा होगा। जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति कोई साधारण जाति नहीं है, ये केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है और ये अनुसूचित जातियों व जनजातियों का एक मिश्रण है और एक बार अधिसूचित होने के बाद फिर ये एक समरूप समूह बन जाता है। साथ ही राज्यों के द्वारा ये उप वर्गीकरण अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत राष्ट्रपति जी की अधिसूचना का उल्लंघन होने के साथ साथ ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी होगा, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार राष्ट्रपति की पावर को ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 341 भाग 2 एवं 342 का उल्लंघन होगा और इससे हमेशा ये खतरा बना रहेगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति को दिया जाने वाला आरक्षण कब खत्म हो जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के लोगों का वर्गीकरण का एकमात्र मूलभूत आधार सामाजिक गैर बराबरी अर्थात छुआछूत व जात पात रहा है। ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैर बराबरी की वजह से ही आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदाय के बीच आरक्षण का बंटवारा करना ये पूर्ण रूप से अनुचित असंवैधानिक व गलत है, क्योंकि दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य जात पात व छुआछूत की बुराइयों को दूर करना था। साथ ही दिनांक 1 अगस्त 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति का उप वर्गीकरण कर सकते हैं, जो कि असंवैधानिक है एवं उचित नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय का यह उप वर्गीकरण जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है, इसे अब राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाएगा। जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों को हाशिए पर धकेल देंगे और उनके लिए पक्षपात का माहौल बनाकर अपना उद्देश्य पूरा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इस उप वर्गीकरण के कारण काफ़ी पद रिक्त रह जाएंगे और आगे चलकर फिर उन पदों के अनारक्षित श्रेणी में तब्दीली हो जाने की प्रबल संभावनाएं होंगी। अतः जिस मुख्य उद्देश्य के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को आरक्षण दिया था, उसे अब एक प्रकार से प्रभावहीन बना दिया जाएगा अर्थात खत्म कर दिया जाएगा। वैसे भी खासकर बीजेपी, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी आदि
हमेशा से ही एससी व एसटी को एसटी वर्गों को मिल रहे आरक्षण के विरुद्ध रहे हैं और इसलिए इनके वकीलों ने उपवर्गीकरण की काफ़ी जोरदारी से कोर्ट के सामने अपनी दलीलें भी रखी हैं और इसे ख़त्म करने की सिफारिश में ये पार्टियां हमेशा प्रयासरत रहती हैं। समाजवादी पार्टी ने तो संसद के भीतर ही पदोन्नति में आरक्षण संबंधी बिल को ही बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत से फाड़ दिया था, जिसे आज तक केंद्र सरकार संसद में दोबारा नहीं ला सकी है, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के नागराज के निर्णय के तहत आज तक एससी व एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण संबंधी लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है तथा अब